गले नहीं मिलोगे। जिंदगी का ये उसूल है बेटा, इंसान बिना खोए कुछ नहीं पाता। मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने हम दौलत ऐशो आराम छोड़कर प्यार को चुना है। क्या बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। क्या नहीं जो, नहीं जो, मुझे छोड़ के मत जा बेटा, मुझे छोड़ के मत जा। रोकिए इसे, ये चला गया तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। आप किस सोच में डूबे हुए हैं? रुक्मणी, शुभ के साथ जो हमारे गले शिकवे थे वो सब तो दूर हो गए, लेकिन उसके भाई और भाभी के तेवर कुछ ठीक नहीं थे। हमारी बेटी आस्था ऐसे माहौल में क्या खुश रह पाएगी? आपकी चिंता जायज है, पर मुझे शुभ पर पूरा भरोसा है, वो हमारी आस्था को सुखी रखेगा। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपका दिल दुखाया, पर माँ मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जीजा जी, आई 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 आई, साक्षात कृष्ण भगवान कलयुग के सुदामा के घर आए। सच शिल्पा छाया, देखो कौन आया हमारे घर। जीजा जी, जीजा जी आस्था से मिलने आए ना। हेलो, हाँ अभी नहीं, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। I'm so sorry जीजू, क्या एक जरूरी काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। किसने बुलाया है? जीजू तो यहाँ हमसे मिलने आया है। चलिए आप यहाँ से जाइए। अरे बाबा जाओ, चलो चलो जाओ जाओ। जीजू तो फाइनली आप आ गए, विनय भैया थे ना इसलिए बात नहीं करते। जीते रहो बेटा। अंकल दरअसल मैं आस्था से मिलने आया था, उससे कुछ बात करनी थी। हम छोड़ेंगे तभी तो आप बात कर पाओगे ना। चलो ना, मुझे आपको गाना सुनाना है, अब चलो।
जीजू धक्का मारो ना। ये लड़कियां भी ना, चलो खाना खाओ। मुझे नहीं खाना, ये खाना मेरे सामने से ले जाइए। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। तुम कोई बच्चा नहीं है, वो जहां भी होगा अच्छा होगा। तुम उसकी चिंता छोड़ो, अपना ख्याल करो प्लीज। कैसे नहीं करूं उसकी चिंता, ये सब आपकी वजह से। अगर आप उसे रोकते तो शायद वो रुक जाता। तुमने सुना है ना, आग में तपकर ही सोना निखरता है। हमारा बेटा जिंदगी की आग में तप रहा है। तुम देखना शुभ एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर तुम्हारे सामने आएगा और तुम खुश हो जाओगे। चलो ये उसकी चिंता छोड़ो और खाना खाओ। मुझे नहीं खाना, मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाता। अगर ये ऐसी ही जिद पर अड़ी रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहू बनकर आ जाएगी। मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। ये किस तरह का जर्नलिज्म है? तुम लोगों का जो दिल चाहेगा तुम लोग छापते जाओगे। तुम्हें पता है तुम लोगों की वजह से रनावत फैमिली में झगड़ा हो गया। तुम्हारी इस झूठी खबर का जवाब तो मैं कोर्ट में दूंगा। घर क्या, किसी सीरियल का फैमिली ड्रामा हो गया है। सोची माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है और बेटा उसे तो सिर्फ अपनी महबूबा की पड़ी है। अगर शुभ का मामला जल्दी नहीं सुलझाना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सक्षम तुम प्रथम भैया से बात करो। प्रथम भैया को इस घर के हालात से कभी भी कोई फर्क पड़ा नहीं। जहां तक बिजनेस की बात है शायद उनके अंदर का बड़प्पन जग जाए। आज वक्त जैसे मन लगा कर रुक गया। शाम हो गई और पता ही नहीं चला। ये लो बेटा, ये हमारी तरफ से तुम्हारे घर वालों के लिए शगुन की मिठाई है। होने वाला दामाद पहली पर आया, खाली हाथ कैसे भेज सकते। बेटा मिठाई के साथ हमारा एक संदेशा भी उनको दे देना। हम आपके घर आके उनसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारी और आस्था की शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है। परिवार में दरार, बिजनेस में बंटवारे की आशंका, शेयर बाजार में राणावत ग्रुप्स के शेयर में गिरावट। प्रथम शुभ घर छोड़कर चला गया और उसके गम में मम्मी जी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। याद करके बहुत रो रही है वो। ये कैसे हो सकता है? शुभ की वजह से
बताया ना आपको क्या कि मम्मी जी की नहीं मैं किसी और बारे में बात कर रहा था किस बारे में ये कुछ नहीं रिश्तों के टूटे तार जोड़ना सिखाया है तोड़ना नहीं सिखाया है आंटी मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूं इनफैक्ट पापा का आशीर्वाद मेरे साथ ही है मैं उन लोगों से दूर रहना चाहता हूं जो मुझे अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपना बिजनेस बढ़ाने का एक जरिया समझते हैं अंकल अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आस्था को बाहर ले जा सकता हूं वकील साहब मुझे उन पेपर वालों को सू करना है मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं आप केस प्रिपेयर कीजिए जैसे अब न्यूज़पेपर से पता चलती है मुझे मेरे अपने घर की बात मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मैं आपसे इस बारे में खुद बात करना चाह रहा था छोड़ो आप आ गए उस लड़की से शुभ की शादी करवा दी व्हाट भैया जिस लड़की की वजह से इतनी सारी बर्बादी हुई आप उसी को डोली में बैठा के घर में लाना चाह रहे तो मैं जो कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो हमारे पास यही एक रास्ता है इस घर के लोगों को हो क्या गया है मैंने तो सोचा था कि कम से कम प्रथम भैया में तो थोड़ी सी अकल होगी पर इन्होंने तो पूरा पासा ही पलट दिया मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मॉम का ध्यान शुभ भैया से कैसे हटाए जब भी सोकर उठती हैं सिर्फ भाइयों के बारे में पूछती हैं इसका एक ही इलाज है शुभ की वापसी लेकिन प्रथम भैया वो कैसे होगा आस्था की वजह से तो भैया ने घर छोड़ा है आस्था के बिना बिना आस्था के वो वापस आएगा नहीं है ना तो ठीक है हम लोग उसे आस्था के साथ वापस ले आएंगे अचानक रेगिस्तान में फूल कहां से खिल गए दरअसल
मॉम शुभ को बार बार याद करती हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है इसलिए। ये क्यों नहीं कहते कि शेयर बाजार में कंपनी के गिरते भाव ने तुम्हें मजबूर कर दिया शुभ के सामने हथियार डालने पर? मुझे नाज है अपने छोटे बेटे पर, उसने प्यार और दौलत की जंग में दौलत को मात दे दी। खैर आप ये क्या कह रहे हैं, इसमें किसी की हार जीत नहीं, शुभ के वापस आने पर ही मॉम ठीक होंगी। लेकिन शुभ इस वक्त होगा कहां पर और हम उसे कहां ढूंढेंगे? मुझे मालूम है इस वक्त वो कहां होगा। ये किसका घर है शुभ? हमारा। आस्था, यही मेरी हकीकत है और यही मेरी पहचान है। अब यहीं से मुझे अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी। आस्था, आज से यही हमारा घर है। क्या तुम शादी के बाद मेरे साथ इस घर में रहोगी? शुभ, तुम मुझे जहां पर भी रखोगे वो जगह मेरे लिए किसी महल से कम नहीं होगी। जानते हो शुभ, एक पत्थर की दीवारों से और उसमें सजने वाले सामान से कभी घर नहीं बना करते। घर बनते हैं उसमें रहने वाले लोगों से और उनके बीच के प्यार से। तुम्हें तुम्हारे घर और घर वालों से अलग नहीं कर सकती। हमारा ये मकान तभी घर बनेगा जब हमारा परिवार हमारे साथ होगा। हाँ, इसे कहते हैं घर की लक्ष्मी, जो पूरे घर परिवार को एक साथ रखे, समझे? बनाने के लिए और रिश्ते निभाने के लिए एक सच्चे प्यार और एक अच्छे संस्कार की जरूरत होती है। वो सच्चाई तुम दोनों के प्यार में है। वाह, सो श्री डैड है तो अमीर लेकिन बातें एकदम गरीबों जैसी करते हैं। ये कंगन तुम्हारी अमानत है बेटा, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मजबूरी में छुपने को कमजोरी मत समझो शुभ। मेरा प्लान तो तुमने इस मिडिल क्लास लड़की के लिए बर्बाद कर दिया, लेकिन आबाद तुम्हारे प्यार को भी मैं होने नहीं दूंगी। बड़े सपने सजाए होंगे आस्था, रानावत की बहू बनी, लेकिन शादी के बाद उन्हीं सपनों को हकीकत से इतनी दूर कर दूंगी कि वो सपने में भी नहीं सोच सकती।